हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं डीजे सेटअप। अब बेसिकली दोस्तों आप सभी की ज़्यादा डिमांड थी कि भैया डीजे सेटअप दिखाइए, दो टॉप दो डबल बेस में दिखाइए, दो एम्पलीफायर हो, मिक्सर हो, क्रॉसओवर हो, वायरें हो, सब कुछ हो। और डिटेल में होने वाली है ये वीडियो, तो बेसे वही हैं जो कि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में दिया था। हमारे कसा था जो कि मैंने बेस 3200 वाट की बेसे थी। और यहाँ पे बात करूँ टॉप की, तो टॉप 1200 वाट में यानी 1300 वाट जो है वो टोटल टॉप हो जाता है। और विड फ्लैट केस है यहाँ पे जो टॉप है हमारी, तो पूरी की पूरी डिटेल होने वाली है हमारे इस डीजे सेटअप में। तो बस वीडियो आज दमदार नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ कि पहला स्टेप कौन सा है हमारे, यानी जो हम चीज़ें जो लगा रहे हैं आपको डीजे सेटअप में, जो चीज़ें दे रहे हैं उसमें हम पहली चीज़ क्या दे रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये दो बेसें रखी हुई हैं, तो ये दो डबल की बेसें हो जाती हैं। अभी मैं इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे इस बेस के अंदर 1600+1600 वाट के 18-18 इंची के स्पीकर्स डले हुए हैं। बात करता हूँ कि कौन सा मॉडल नंबर है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बेस है। इसका ऑलरेडी मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो भी दे चुका हूँ इसके फिटिंग से लेकर हर एक डिटेल में। तो दोस्तों ये जो मॉडल नंबर है इसके अंदर जो ATI Pro का डाला हुआ है ZX1600, यानी 18X1600 जो है वो मॉडल नंबर का इसके अंदर स्पीकर डाला हुआ है। 4.5 इंची वॉशकॉल के अंदर आता है, 1600 वाट का एक स्पीकर है। RMS पावर आप देख सकते हैं जो कि इसका मैं बता चुका हूँ। बैक प्लेट से लेके आपको अब साइड की जो हैंडल्स हैं वो भी क्वालिटी में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, चूँकि इसका यहाँ पे ये हैंडल है, ठीक है ना, ये दो हैंडल्स हो गए, ये दो और हैंडल हो गए, टोटल 4 हैंडल हो गए। अभी आप यहाँ पे देखिए ये CNC कटिंग से बना रखा है, आप इस पर लाइनरें रख सकते हैं या टॉप जो है वो रख सकते हैं, तो ये वाइब्रेशन से गिरेगा नहीं। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो एलिंकी बोल्ट दिया गया है। अब इसके अंदर एक पत्ती होती है, अगर आपने इस बेस की जो है वो कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा ये किस काम में आता है। बाकी मैं बात करता हूँ कि ये वाले जो हैंडल्स हैं वो कैसे काम आते हैं। ये वाले तो हैंडल ऐसे उठाने के काम में आते हैं। अब ये वाले हैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये हैंडल जो है वो भी देखिए, अभी बेस को मैं थोड़ा सा रोटेट करवाऊँगा, अभी बेस को मैं रोटेट करवाया मैंने, और ये जो हैंडल है यहाँ पे ये इस काम में आता है। ये देखिए पकड़ के ये सीधा उठा लिया, तो अब ऐसा जो है फ्लैट केस में आप रख सकते हैं। तो ये बहुत इजी होने वाला है, ऐसे बेस को वापस रख दो, बेस को वापस वहीं कर दो। तो ये दो बेसें जो हो गए हैं वो हमारी टोटल ये दो बेसें हो गई हैं। और इसके ऊपर जो है दोस्तों ये जो है वो फ्रेम से, यानी ये CNC से बनाया जाता है, और ये डिज़ाइन जो है वो XTX का मॉडल का डिज़ाइन है। अभी इसके ऊपर ये दूसरी बेस रख दो, तो ये टोटल जो है वो हमारी दो बेसें हो गई। तो टोटल जो बेस की पावर हो रही है वो दोस्तों हो रही है 6400, यानी 3200+3200, 6400 जो है वो बेस की पावर हो गई है। तो यहाँ पे ये बेस की जो पावर, इसको सीधा सीधा करके, ठीक है ठीक है, ये हो गया हमारा, बेस हो गई। ये हमारी ATI Pro की 4 बेसें हो गई, 4 स्पीकर वाली, यानी दो दो स्पीकर वाली हमारी टोटल 2 बेसें हो गई डबल की। तो ओवरऑल ये था बेस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो टॉप है हमारे, टॉप कौन से हैं, क्या है उनकी स्पेसिफिकेशंस, वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टॉप की, तो टॉप के लिए दोस्तों ये जो है वो हमने रखे हुए हैं। तो इनमें आपको बटर लॉक टॉप में जो है बेसिकली आपको फ्लैट केस जो है वो मिल ही जाएगा। तो टॉप में आप ये छोड़ दीजिए कि आपको फ्लैट केस लेने की ज़रूरत है। बेस में आप कहते हैं तो कंपलसरी नहीं है कि आप बेस पे फ्लैट केस लगाएं, कवर भी लगा सकते हैं या फिर कुछ और चीज़ें जो है वो आप फ्लैट केस अगर आप करते हैं ऑर्डर, तो मैं आपको फ्लैट केस के लिए भी जो है वो दे दूँगा आपको फ्लैट केस। तो फिलहाल मैं तो अभी टॉप का मैं फ्लैट केस दे रहा हूँ, तो फ्लैट केस से निकालो टॉप को, और इसके अंदर जो मॉडल हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने सेम ही यहाँ पे XTX रखे हुए हैं, तो ये हमारे जो है पैक रखा हुआ है, ये आपके सामने पूरा अनबॉक्स हो रहा है। तो ये यहाँ से निकाला और ये आ जाता है हमारा XTX, उठाओ इसको बाहर निकालो। तो यहाँ पे XTX, तो दोस्तों ये जो है वो हमारे टॉप है, और इसमें भी दोस्तों आपको जो है वो एलिंकी बोल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए ये एलिंकी बोल्ट्स हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है। ऊपर सेम वही CNC कटिंग का, राउटरिंग का जो है वो काम करा हुआ है। हैंडल वही प्लास्टिक में हमें देखने को मिल जाते हैं। पीछे की बैक प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पे आप जो है बैक प्लेट देख सकते हैं, स्पीकॉन्स वाली जो है वो बैक प्लेट मिल जाती है। और पीछे जो है वो अभी आप देख सकते हैं फ्लैट केस लग रहा है, फ्लैट केस लगाने का जो तरीका है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक लग चुका है दोस्तों, इसके पीछे से जो है वो हम टॉप दे देंगे। तो ये जो टॉप है वो आपको मैं पीछे से डलवा के देता हूँ। पहले टॉप ले आओ, पहले टॉप ले लो। तो टॉप को उठाने का तरीका दोस्तों जैसे कि है, आपको अगर कोई हो तीसरा बंदा तो सामने से पकड़ ले, ईजिली ये उठ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने उठाया अभी वो दो, और इसको जैसे कि मैंने बताया, अब मैं उठाऊँगा यहाँ से
पीछे से दोनों ने पकड़ के उस पर रख लिया। अब मैं यहाँ पे ये टॉप को उठा के कुछ ऐसे रख दूंगा और इसको अभी हम कर देते हैं यहाँ पे फोल्ड कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारे दो टॉप, एक यहाँ आ जाएगा और एक वहाँ आ जाएगा, तो दूसरा भी जो है हमारा ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। फ्लैट केस की क्वालिटी बिल्कुल मजबूत रखने की कोशिश करिए, हमने ये ध्यान दिया है कि फ्लैट केस में कोई आपको कोई भी बरायती या फिर कहीं पर भी कुछ चीज़ें ना छूटे। तो यहाँ पे ये टॉप हो जाते हैं हमारे, यहाँ पे रख लेते हैं अभी हम। फ्लैट केस फिट करो और फॉर्म आप देख सकते हैं, इसके अंदर फॉर्म लगी हुई होती है, यहाँ पे ये फॉर्म लगी हुई होती है फ्लैट केस में, देख सकते हैं कि फ्रंट आ जाता है। और बटर लॉक का ध्यान दिया गया है, यानी जो वैसे वाले लॉक हैं वो ना लगा के आपको बटर वाला लॉक दिया जाए, तो ये हैवी रहता है और पूरा आप देख सकते हैं साइड की एसएस का जो है वो पूरा काम करा गया है। और यहाँ पे ये टॉप आ जाता है हमारा, तो गाइस सामने से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉटेज की, तो टोटल जैसे कि मैंने बताया 6400 बेस का वॉटेज हो गया। टॉप के वॉटेज के बारे में बात करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो टॉप है इसके अंदर 600 प्लस 600 और 110 वाट का जो है HF डाला हुआ है, तो टोटल ये टॉप जो है वो 1300 वाट का हो जाता है पूरा एक टॉप। और यहीं अगर मैं बात करूँ मॉडल, दोनों XTX हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बात करूँ प्लाई के, तो 18 से 19 mm की जो है बीच में प्लाई यूज़ करी है, दोनों पे सेम पेंट है, सेम डिज़ाइन है दोनों का। तो फिलहाल में तो ये हो गया हमारा टॉप एंड बेस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनके लिए एम्पलीफायर मिक्सर और क्रॉसओवर, तो चलिए वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों बात करता हूँ एम्पलीफायर, तो जैसे कि देख सकते हैं ये ATI 18 है, ये हम टॉप के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पे ATI 18 है। इसके अनबॉक्स कर देता हूँ, यहाँ पे आपको जो सील्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, एक ये सील हो जाता है, ये देख सकते हैं एक ये हो जाता है और एक ये सील हो जाता है। तो दोनों को पहले हम ब्रेक करते हैं सील्स को, तो यहाँ पे मैंने निकाला और इसके अंदर एक और बॉक्स पैकिंग मिल जाता है, ये देख सकते हैं कलरफुल होता है ये ATI Pro का पूरा बॉक्स। इसके अंदर भी दोस्तों आपको दो यानी तीन इधर सील्स मिल जाती हैं, तो इसको भी सील्स को मैं हटा देता हूँ। दोस्तों ये हो जाता है हमारा एम्पलीफायर और यहाँ पे आपको ये हैंडल्स मिल जाते हैं। पैकिंग आप देख सकते हैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की जो होती है, हमेशा ATI Pro की तरफ से पैकिंग करी जाती है। तो मैं यहाँ से इसमें से एम्पलीफायर निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर कैसे देखने में। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ एम्पलीफायर, जैसे कि अनबॉक्सिंग में आपको दिखा चुका हूँ, बात करते हैं फ्रंट पैनल से। यह आ जाता है हमारा ATI Pro का ATI 18, ATI Pro का ATI 20। लोड क्या 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 है वो दिखा देता हूँ। ATI 18 पे हमारे दो टॉप डाले हैं, एक टॉप इस पे, एक टॉप इस पे। ATI 12 पे हमारा एक टॉप इस पे, एक टॉप इस पे। 11 day इंटरवल हो जाते हैं, वॉल्यूम हो जाते हैं, ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाता है। फ्रंट से आप देख सकते हैं फैन यहाँ पे लगा रखे हैं, टोटल 4 फैन का यूज़ करा है। बैक साइड अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो बैक साइड है सेम आपको एक्जैक्टली बिल्कुल ये चीज़ और ये चीज़ जो है बिल्कुल एक्जैक्टली सेम देखने को मिलती है। एक स्पीकर ऑन एक चैनल के लिए, दूसरा स्पीकर ऑन दूसरे चैनल के लिए, ये ब्रिज के लिए हो जाता है। 4 यहाँ पे आपको XLR दिख रहे होंगे, XLR के इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैलेंस रहता है पूरा। बाकी सेंसिटिविटी, ऑपरेशन मोड, यहाँ पे हाई पास, लो पास और लिमिटर और ग्राउंड, ये आपको इसमें और इसमें दोनों में मिल जाता है। टर्मिनल सॉकेट हो गया, फ्यूज़ हो गया, पावर ये हो गए, पावर कॉर्ड हो गई, दोनों में आपको ये वाले प्लग्स मिलते हैं। और फैन 4 फैन का यूज़ करा गया है, पावर इसकी ज़्यादा है और इसकी टॉप के हिसाब की जो है वो पावर दी गई है इन टॉप के हिसाब की। तो ओवरऑल ये एम्पलीफायर मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो ये तो एम्पलीफायर थे हमारे दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो कि इसका क्रॉसओवर मिक्सर है और बाकी कनेक्शन कैसे होगा वो भी डिटेल देता हूँ। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ DJ मिक्सर की, तो हमारे पास ये DJ मिक्सर आ जाता है। अभी यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है DJ M363M, यानी 3 चैनल का जो है वो मिक्सर है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ और इसके अंदर ये आपको जो है वायर्स मिल जाती हैं, पावर कॉर्ड मिल जाता है, ये हमारा पूरा मिक्सर आ जाता है। तो ये एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा DJ मिक्सर हो जाता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो क्रॉसओवर है, बेसिकली क्रॉसओवर हम कौन सा आपको दे रहे हैं। तो ये आ जाता है हमारा क्रॉसओवर 243XL, पावर कॉर्ड हो जाती है हमारी। और ये क्रॉसओवर दोस्तों 4-way क्रॉसओवर है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है वो क्रॉसओवर हो जाता है। इस टाइप से यहाँ पे मॉडल नंबर भी मेंशन है आपको, 234XL 3234 वे क्रॉसओवर।
तो पीछे से जो है वो आप सेटिंग्स इसकी चेंज कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप इस क्रॉसओवर को बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये था दोस्तों क्रॉसओवर। ये है हमारा मिक्सर जो कि 1, 2, 3 चैनल प्लस आपको इसके अंदर जो है वो 2 USB ये इंडिकेटर मिल जाते हैं, BPM यानी BPM काउंटर मिल जाता है और क्रॉस फेडर मिल जाता है अगर आप यहाँ पे स्क्रचिंग करते हैं। और बैक साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, XLR से ही आउटपुट आप ले सकते हैं तो बैलेंस रहेगा सारा सिस्टम। चलिए मैं इसकी जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ कनेक्शन की, तो यहाँ पे पीछे आप कनेक्शन देख लीजिए, जैसे कि बैलेंस आउटपुट यहाँ पे मेंशन है, तो हम XLR का ही यूज़ करेंगे और ये वायर्स भी जो है वो आपको XLR ही दी जाएंगी इस सेटअप के साथ में। तो ये पूरी की पूरी वायर जो है वो आपको एग्जैक्टली यही चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने ये 2 इनपुट कर दिए, यानी आउटपुट यहाँ से ले लिया। अब ये 2 आउटपुट हमारा कहाँ कहाँ जाएंगे, तो सो एक तो यहाँ पे जाएगा जो कि हमारा बेस, यहाँ मैं डालूँगा इसको सिंपल, और एक जाएगा जो हमारा टॉप का एम्पलीफायर चैनल 1 में इनपुट करूँगा, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपका ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि भैया जैसे मैंने यहाँ पे चैनल 1 में इनपुट करा, तो क्या मैं चैनल 1 से लेके यहाँ 2 में इनपुट कर सकता हूँ, तो यस बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया सेम वही चीज़, एक में इनपुट करा मैंने, दूसरे से आउटपुट लेके इसमें डाल दिया। अभी हमारा बेस रह रहा है, तो बेस के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं जो है वो बेस के लिए मैं ये लो से लूँगा और हमारे डाल देंगे चैनल 1 में। बेस को मैं यहाँ पे दोस्तों पैलर चला रहा हूँ, आप चाहें तो फिर वही चीज़ें जो हैं वो आप सेम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ से करा और यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ इनके स्पीकर्स की, तो यहाँ पे एक टॉप इस पर हो गया, एक टॉप इस पर हो गया, एक बेस इस पर, एक बेस इस पर, तो सिंपल। अभी मैं बेस भी आपको डाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये स्पीकर्स हो जाती हैं हमारी, और इसको मैं जो है वो बेस में अभी डालूँगा। तो ये जो है वो 4 कोर वायर है, तो ये वायर भी आपको जो है मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ पीछे कनेक्शन की, तो एक जो है वो मैं इधर डाल रहा हूँ, ये देख सकते हैं, एक इसमें डाल दी और एक जो है वो मैं इसमें डाल रहा हूँ, एक इसके अंदर डाल दी। तो ये तो 2 हमारी वायर हो चुकी हैं, और ये जो वायर जा रही है दूसरा छोर जो है हमारा, वो यहाँ पर कौन सा एम्पलीफायर है हमारा पास, ये बेस का एम्पलीफायर हो गया। तो एक चैनल पर मैंने यहाँ इनपुट कर देना है और एक चैनल पे मैंने यहाँ इनपुट कर देना है, सिंपल। बेस का कंप्लीट, टॉप का हमारा ये आ गई है हमारी टॉप की, एक स्पीकर ये आ गई, एक स्पीकर ये आ गई। तो एक मैंने इनपुट कर देना है यहाँ कर देना है, एक इनपुट कर देना है मैंने यहाँ। बीच वाला दोस्तों इस एम्पलीफायर के साथ में जो है वो खाली रहेगा, क्योंकि वो ब्रिज के लिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रिज के लिए। बात करता हूँ यहाँ पे दोस्तों बैक साइड स्विच की सेटिंग्स की, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी। तो दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ बैक साइड के एम्पलीफायर की सेटिंग्स का, तो ये हमारा पहला हो जाता है 8A18। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेटिंग्स की, तो मैं टॉप के लिए जो सेंसिटिविटी है वो मैं ये रखता हूँ 0.775 V पे, वोल्ट पे यानी। और ये मैं स्टूडियो पे चला रहा हूँ, एक इनपुट के लिए दूसरे से यहाँ करिए, स्टूडियो हो जाएगा ये यहाँ पे। बाकी हाई पास को मैं ऑफ़ करता हूँ, लो पास को भी ऑफ़ करता हूँ, लिमिटर भी ऑफ़ करता हूँ, ग्राउंड भी ऑफ़ करता हूँ। बात करते हैं नीचे की, तो ये तो हो गया हमारा टॉप का, ये नीचे वाला है 8820। इसलिए मैं यहाँ पे सेंसिटिविटी को 1.4 वोल्ट पे ही करूँगा, इस बात का मैं प्रेफर कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जो कि मैं इसकी क्वालिटी को यहाँ पे 0.775 पे भी चला के दे रहा हूँ, तो 1.4 पे जो है इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और इसको भी मैं स्टूडियो कर देता हूँ, लो पास हाई पास ऑफ़, लिमिटर भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, एम्पलीफायर छोटा नहीं है, बिल्कुल पावर के हिसाब से परफेक्ट है, ग्राउंड भी ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये तो जो हो गई पूरी की पूरी बैक सेटिंग्स हो गई, और अभी यहाँ पे बाकी ये जो है वो लो का हो गया हमारा आउटपुट हो गया। इसमें कोई आपको सेटिंग्स नहीं करनी है, सिंपल। जैसे मैं अभी चलाऊंगा तो मैं आपको चला के दिखाऊंगा, 2 इनपुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको इनपुट करके अभी दिखाई देता हूँ। और यहाँ पे ये पावर कॉर्ड लगाई हमने, इसका भी पावर कॉर्ड जो है वो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और ये हमारा बोर्ड हो जाता है, ये मैं लगाता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर आ गई। और मोबाइल फ़ोन की लीड भी जो है वो आपको दी जाएगी इसके अंदर। तो ये सिंपल है, आपने कहाँ इनपुट करना है, आपने करना है लाइन में, ये मैंने लाइन में करा और ये हो गया आपका रेडी बिल्कुल चलने के लिए। चलिए यहाँ पे टेस्टिंग दिखाता हूँ। We'll be right back.
दोस्तों कैसे लगा टेस्टिंग और कैसे लगी वीडियो, मुझे उम्मीद है पसंद होगी। वाकई में दोस्तों इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा। और दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ कि इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको पूरी चीज़ दिखा चुका हूँ, क्रॉसओवर के कनेक्शन भी दिखा चुका हूँ, मिक्सर से कनेक्शन दिखा चुका हूँ, यहाँ पे बेस एंड टॉप की जो कनेक्शन दिखा दूँ, सेपरेट सेपरेट वीडियो चाहिए इनकी फिटिंग्स की तो मैं वीडियो का नीचे लिंक दे दूँगा। टॉप की वीडियो अलग आ जाएगी, बेस की वीडियो अलग आ जाएगी, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं इसकी फिटिंग में। स्पीकर का मॉडल नंबर भी बता चुका हूँ, ओवरऑल सारी की सारी डिटेल दे चुका हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर नीचे के बता के जाएगा। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग डिटेल के लिए। तो दोस्तों जो प्राइस है वो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं करा है, बस मैंने लगा कि आपको ये सेटअप देना है तो इस टाइप का मैंने बनाया फटाफट और आपको दे दिया। कैलकुलेशन करके प्राइसिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा प्राइस, तो आप जाके जो है प्राइस नीचे देख सकते हैं, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा जो प्राइसिंग डिटेल होगा। बाकी दोस्तों परचेज करने के लिए ये शोरूम का आपको कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ से जाके जो है परचेज कर सकते हैं और आप अपना ऑर्डर दीजिए। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों अवेलेबल मिलेगा। ये सेटअप यहीं है, कभी भी आइए टेस्टिंग लेके जाइए, या फिर अगर आपको वीडियो देख के पसंद आ गया तो आप ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।